आज हम देखेंगे हवाला बाजार, FATF, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब क्या है, और अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों जमा करते हैं, क्या है स्विस बैंक, इन सबको आज पूरे डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ब्लैक मनी क्या है। जिस पैसे का टैक्स आपने सरकार को नहीं दे के पूरा पैसा खुद पचा लिया, उसी पैसे को हम ब्लैक मनी कहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम ब्लैक मनी को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने बहुत मेहनत करके 10 करोड़ रुपया कमाया, तो आपको उस पैसे का सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अभी के टैक्स के रेट के हिसाब से आपको 18% GST, 30% इनकम टैक्स, और आप जिस बैंक में पैसा जमा करते हैं वो बैंक आपसे 2% गेटवे लेता है। इन सबको मिला के देखा जाए तो आपको अपनी कमाई का 50% सरकार को देना पड़ता है। जो लोग इन्हीं टैक्स को नहीं देते उनके पैसे को हम ब्लैक मनी कहते हैं। ये टैक्स का सिस्टम भी अलग अलग है, यानी आपकी कमाई 25 लाख से ऊपर है तो आपको GST देना पड़ेगा, और यदि आपकी इनकम सालाना 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स लगता है। मोटा मोटी टैक्स का यही हिसाब है। हमें अपने पैसों का टैक्स देना चाहिए क्योंकि सरकार का इस पे हक है, और हमारी सरकार ऐसे ही चलती है, टैक्स के बिना हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें टैक्स देना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि जो देश सबसे ज़्यादा अमीर है उस देश में बहुत से अमीर लोग रहते हैं। आपने ब्लैक मनी समझ लिया, आप समझते हैं टैक्स बचाने वाले सबसे फेमस रास्ते को, यानी हवाला बाजार को। हवाला का मतलब आप कह सकते हैं पैसे का इल्लीगली हेर फेर करना। हवाला के जो एजेंट्स होते हैं, यानी वो लोग जो आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उनके पास कोई आईडी या प्रूफ नहीं होता, वे लोग सिर्फ विश्वास के दम पे काम करते हैं। मान लीजिए आप भारत से सऊदी पैसा कमाने गए, वहाँ आपकी इनकम 30,000 रुपये है, तो आप उस पैसे को आराम से इंडिया भेज सकते हो, आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं लगता। तो इसके लिए आप आराम से बैंक में जा कर उस पैसे को इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर जो लोग करोड़ों का लेन देन करते हैं वे अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक उनसे 50% टैक्स काट के तब उस पैसे को ट्रांसफ़र करता है। यानी वो अगर 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनसे 50% टैक्स काट लिया जाएगा, यानी 5 करोड़ सरकार को टैक्स के रूप में दे दिया जाता है और बाद बाकी पैसा इंडिया पहुंचाया जाता है। इसी टैक्स से बचने के लिए लोग हवाला का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए सुरेश जो सऊदी में रहता है उसको इंडिया में रोहित को 10 करोड़ रुपये भेजना है, तो वो हवाला के एजेंट के पास जाएगा और उसको 10 करोड़ रुपये देगा और कहेगा कि आप ये पैसा इंडिया में रोहित को भेज दो। तो वो एजेंट सुरेश को एक कोड बताएगा और कहेगा कि आप अपने इंडिया वाले दोस्त को ये कोड बता दो ताकि मेरा एजेंट उस कोड से उसको पहचान पाए। तब सुरेश अपने दोस्त रोहित को वो पासवर्ड बता देता है। उसके बाद जो हवाला के इंडिया वाले एजेंट है वो रोहित को फ़ोन करेगा या उसके घर जाके उससे वो कोड पूछेगा। अगर वो कोड सही बता लेता है तो उसको वो एजेंट 10 करोड़ रुपया दे देगा जो कि सुरेश ने सऊदी में उस एजेंट को दिया था। यही है हवाला, और इसमें टैक्स नहीं लगता, इसलिए इससे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। जो पैसा सुरेश ने उस एजेंट को दिया था वो पैसा इंडिया में रोहित को मिल गया, पर जो 10 करोड़ उस सऊदी वाले एजेंट के पास है वो 10 करोड़ रुपया उस इंडियन वाले एजेंट के पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो यहीं पे काम आता है मनी लॉन्ड्रिंग। आप समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आप जैसे अपने कपड़े को लॉन्ड्री में धो के साफ करते हो, वैसे ही पैसे को धो के ब्लैक से वाइट किया जाता है। सऊदी में पड़े उस ब्लैक मनी को इंडिया में वाइट मनी के रूप में ट्रांसफ़र करने के लिए वे लोग कुछ बेकार की कंपनियां खोल देते हैं और उनके पेपर वर्क को पार करके साबित कर देते हैं कि ये एक कंपनी है। उसके बाद जो सऊदी वाला एजेंट है वह ऐसे ही बहुत कुछ से पैसा लेता है, उसके बाद सारे पैसे को उस इंडिया वाले कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इंडिया वाला एजेंट सरकार को कहता है कि मेरे कंपनी के लिए विदेश से FDI आ रहा है जो कि मेरे कंपनी के ग्रोथ के लिए काम आएगा। भारत में FDI पे कोई टैक्स नहीं लगता। जो पैसा उस सऊदी वाले एजेंट ने उस कंपनी में ट्रांसफ़र किया वो पैसा FDI के रूप में इंडिया में पहुंच गया, तो उसका कोई टैक्स नहीं लगा। यानी ये 100 करोड़ भेजा होगा तो वहाँ पे भी 100 करोड़ रहेगा। कुछ दिन बाद ये लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी डूब गई और वो सारा पैसा इंडिया में वाइट होके आ जाता है और इससे सरकार को चूना लग जाता है। इसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, पर इसमें खतरा भी है। अगर भारत सरकार चाहेगी तो वो सऊदी से पूछ सकती है कि तुम्हारे कौन से कंपनी ने
हमारे इस इंडिया वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया तो सऊदी सरकार उन्हें बता देगी, उसके बाद इंडिया कोई एक्शन ले सकता है। पर ऐसे बहुत से देश है जो इन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि स्विट्जरलैंड और उसकी स्विस बैंक। आप अब समझते हैं कि स्विट्जरलैंड टैक्स चोरी करने वालों के लिए स्वर्ग क्यों कहलाता है और स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक क्या है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हमारे यहाँ से अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जानकारी आपके सिवा हम किसी और को नहीं बताएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसलिए लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए किसी न किसी तरह उस ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं और उस पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करवा देते हैं। उन पैसों का स्विस बैंक में घोटाला होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि स्विस बैंक लोन नहीं देता। और स्विस बैंक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि स्विस बैंक किसी कस्टमर की जानकारी दूसरे को नहीं बताता, इसलिए लोग स्विस बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है स्विस बैंक और स्विस गवर्नमेंट की पॉलिसी। स्विस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत फेमस है, पर इससे दिक्कत तब आई जब इससे टेररिस्ट को फंडिंग दिया जाने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से बहुत से टेररिस्ट को फंडिंग दिया जाता था, इसीलिए पूरे विश्व ने मिलकर एक एक्ट बनाया जिसका नाम FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दिया गया। ये एक्ट 1989 में बनाया गया। ये पूरे दुनिया पे नज़र रखते हैं और देखते हैं कि किस देश से किस देश में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा टेररिस्ट को फंडिंग किया जा रहा है। इनको जिस पे ज़्यादा शक होता है ये लोग उसे वार्निंग देते हैं। इनके वार्निंग को ही हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, जिसमें कि इथोपिया, घाना, यमन और पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा टेररिस्ट को फंडिंग करता है। ये लोग जिस देश को ग्रे लिस्ट कर देते हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि FATF की नज़र इस देश पे है और उनको लोन लेने में भी बहुत दिक्कत होता है। और इसके बाद भी जब ये नहीं सुधरते तो FATF इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देता है। ब्लैक लिस्ट करने के बाद इनसे कोई भी व्यापार नहीं कर सकता और इन्हें कोई बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि विश्व बैंक के नियम है कि जिस देश को FATF ने ब्लैकलिस्ट किया है हम उन्हें लोन नहीं देंगे, जिससे उस देश का GDP धड़ाक से गिरने लगेगा और वो देश बर्बादी के कगार पे चल जाएगा। उस देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरता नहीं, वो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट को फंडिंग करता है। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।